मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,037 करोड़ रुपए की लागत से 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें बरसाना में श्री राधा रानी मंदिर के लिए प्रस्तावित रोपवे सुविधा भी शामिल है, जिससे श्रद्धालु इस मंदिर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हो रहे मंदिरों पर हमले और संतों पर अत्याचार की निंदा करते हुए कहा, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की घटना पर इन सब के मुंह बंद है, क्योंकि उन्हें भय है कि अगर वे बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते दिखाई देंगे। वे दुनिया के अन्य मुद्दों पर तो मुखर होते हैं, लेकिन बांग्लादेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों पर चुप रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए और हमारी विरासत का संरक्षण होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है और यह सबसे प्राचीन धर्म है। उन्होंने जोर देकर कहा, कोई धर्म 1400 साल पुराना है, कोई लगभग 2000 साल पुराना है, लेकिन हमारा सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है। भारत का एक ही धर्म है, वह सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है, वही भारत की चुनौती है।